चलो, कहता है मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन है तो उसका मैक्सिमम रेंज निकालना है। ठीक है, अब चलो गन को यहाँ से फायर करते हैं। अब मैं पूरा गन तो बनाऊंगा नहीं, गन को यहाँ से फायर करते हैं। ठीक है, और वो जो है द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन हॉरिजेंटल रेंज, मतलब यहाँ से अगर गन फायर होता है तो उसका जो मैक्सिमम रेंज है ये वाला आर मैक्सिमम, वो आर मैक्सिमम है वो यार 16 किलोमीटर है। ठीक है, तो कितने से फायर हुआ वो निकालना है। आपको पता होगा प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट से कि जब रेंज मैक्सिमम होता है तो हॉरिजेंटल से इसकी वेलोसिटी, जो हॉरिजेंटल से गन की जो एंगल होती है वो 45 डिग्री होती है। ठीक है, जब रेंज मैक्सिमम होता है रेंज की प्रॉपर्टी से, तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ठीक है, अब रेंज मैक्सिमम होगा जब थीटा 45 होगा, अगर थीटा 45 होगा तो साइन थीटा 91 हो गया, तो यू स्क्वायर ओवर जी, तो यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी जी आर मैक्सिमम। ठीक है, जी आर मैक्सिमम जी 10 है और आर मैक्सिमम 16 किलोमीटर है, तो 600 मीटर हो गया, तो यह आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इतने से प्रोजेक्ट हुआ होगा 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो ये इसका लास्ट प्रॉब्लम था। तो आज हमने डिस्कस किया काइनेमैटिक्स के जो 31 ईयर वाले प्रॉब्लम है उनको मैंने डिस्कस किया। इसमें जितने भी प्रॉब्लम डिस्कस किया हूँ, अगर आप उसको बेहतर तरीके से देखते हो और उस टेस्ट फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक पे जो 1 डायमेंशनल मोशन है इस पर 3-4 टेस्ट दो, अपने आप को टेस्ट करो कि कितना सीखे हो, और टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो नीट लेवल का, देखो हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। अगर अपने जैसे मान लो काइनेमेटिक सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे हैं तो दोबारा थियरी पढ़ो, दोबारा डाउट लो, थियरी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो उस टॉपिक से रिलेटेड, तब जाके अपने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करो और आगे बढ़ जाओ, अपने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करो आगे बढ़ जाओ। अगर प्रॉब्लम को तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, नहीं क्वेश्चन हो रहा है, तो गो डेप्थ इन थियरी, फिर से फैकल्टी से डिस्कस करो, डाउट लो, फिर क्वेश्चन करो, होगा कैसे नहीं यार, ऐसा तो थोड़ी है। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।